वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन वर्ल्ड में यार पोकेमॉन्स पकड़ना सभी को बहुत पसंद होता है, क्योंकि वहां पे सबका मेन एम ही वही है भाई, वही काम है सबके पास, पोकेमॉन्स पकड़ो, मजे करो। लेकिन यार तुम्हारे पास ना एक्स्ट्रा पोकेबॉल भी हो तो कुछ पोकेमॉन ऐसे होते हैं जो कि तब भी पकड़ना वर्थ इट नहीं है, भले तुम्हारी पोकेबॉल वेस्ट जा रही हो तब भी उन पोकेमॉन को पकड़ना कोई वर्थ इट नहीं यार बिल्कुल। तो आज की वीडियो में ऐसे ही पोकेमॉन्स के बारे में तुमको बताऊंगा जिनको पकड़ना बिल्कुल ही यूजलेस है, जिनको पकड़ना बिल्कुल ही बेकार है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए उन पोकेमॉन्स को। तो इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, एंड तक बने आना। और बाय द वे ये वीडियो कोलैब वीडियो पोकेमॉन वर्ल्ड के साथ में, तो हां काफी मजा आएगा। नंबर 10 जूबैट, ये एक पॉइजन और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। और यार अगर तुम इसको पकड़ने जाओगे ना, सबसे पहले तो तुमको यार इसके कंफ्यूज रे का सामना करना पड़ेगा। यार ये मूव ऐसा ना जो कि सामने वाले पोकेमॉन को बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है और हमारा पोकेमॉन कुछ कर ही नहीं पाता यार सीरियसली। तो मतलब ये बहुत तंग करता है अपने इस मूव की मदद से। फिर जाके तुम जब फाइनली इसको पकड़ लोगे तो यार इसको पकड़ना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे पहले लेवल 22 पे जाके ये बनता है गोल बैट, जिस स्टेज में भी यार ये कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं रहता, ना जूबैट स्टेज में ना गोल बैट स्टेज में। फिर ये फाइनली क्रोबैट बनता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप की मदद से, जिसमें जाके थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि यार ये इतनी ज़्यादा तुम मेहनत करो इसको पहले पकड़ने में इतना तंग, फिर यार इतना ज़्यादा लेवल अप वगैरह इसको फ्रेंडशिप दो तब जाके फाइनल स्टेज में आता है। और इसके बाद हमें क्या मिलता है, जो क्रोबैट है वो जो कि इतना पावरफुल भी नहीं है, इतना ज़्यादा पोकेमॉन अच्छा ये बिल्कुल भी नहीं है, बैटल्स वगैरह में भी उतना अच्छा नहीं है, मूव्स वाइज भी उतना अच्छा नहीं है, स्टैट्स वगैरह भी उतने सही नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसको पकड़ना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहेगा, इतनी मेहनत करने के बाद तुमको कुछ भी एक ढंग का पोकेमॉन उतना नहीं मिलेगा। नंबर 9 स्लैकिंग, ये एक नॉर्मल टाइप का बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है होएन से। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बोला है बहुत पावरफुल है, तो तुम सोच रहे हो कि यार फिर इसको क्यों नहीं पकड़ना, क्योंकि सबसे इसकी बकवास चीज जो कि बहुत पॉपुलर है वैसे तो इसके बारे में, कि इसका एबिलिटी है ट्रॉन्ट, जिसकी वजह से यार ये एक मूव यूज करने के बाद एक मूव तो रेस्ट ही ले लेता है। मतलब भाई इतना पावरफुल होने का फिर मतलब ही क्या है जब इसको एक बार मूव ही नहीं यूज करना, इतना ये पावरफुल है कि बस एक बार मूव यूज करेगा और सामने वाला बंदा दो बार करेगा, उतने में तो यार कोई भी अगर फाइटिंग टाइप लेके आ गया तो इसको आराम से हरा ही देगा यार। तो मतलब इसके बारे में बहुत बेकार चीज है इसकी एबिलिटी, जो कि एक मूव के बाद इसको दूसरा मूव यूज करना ही नहीं देती। तो हाँ स्लैकिंग भी कह सकते हैं, अपने फाइनल स्टेज में आने के बाद कुछ खास नहीं रहता यार अपनी सिर्फ इस एबिलिटी की वजह से, वरना ये बहुत पावरफुल है लेकिन इस एबिलिटी की वजह से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है तुम्हारी टीम में रखने के लिए। तो हाँ ये भी एक ऐसा पोकेमॉन रहेगा जो कि डेफिनेटली तुमको नहीं पकड़ना चाहिए। नंबर 8 प्लसल और माइनन, ये दोनों इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है होएन रीजन से, और जैसे कि हम देखते हैं ऑलमोस्ट हर रीजन में हमको पिकाचू का यार एक कुछ रिप ऑफ टाइप का, या फिर हम कह सकते हैं पिकाचू का एक नया फॉर्म देखने मिलता है, पिकाचू के ऐसे बहुत क्लोन्स देखने मिलते हैं। तो होएन के ये जो क्लोन थे ये प्लसल और माइनन है। अब यार ये दोनों पोकेमॉन बिल्कुल ही यूजलेस है, अब भले ये दिखते बहुत ज़्यादा क्यूट है लेकिन यार बैटल में क्यूटनेस से तो कुछ कर नहीं सकते ये लोग, तो मतलब यार देखा जाए तो ये इसमें किसी भी काम के नहीं है बैटल वगैरह में। इनके स्टैट्स देखोगे बहुत ही बकवास स्टैट्स है, मूव्स वाइज भी है कुछ खास नहीं है, ओवरऑल बैटल में लड़वाने के लिए पोकेमॉन उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। तो हाँ इनको पकड़ना भी कुछ खास वर्थ इट रहेगा नहीं, तो ये भी प्लस और माइनस ऐसे पोकेमॉन रहेंगे जो कि तुम्हें नहीं पकड़ने चाहिए। इससे अच्छा तो अपना ओरिजिनल पिकाचू या फिर जो अलोला के अंदर आया था अलोलन राइचू, भाई वो भी बहुत ज्यादा तगड़ा है, लेकिन आप पिकाचू के ये जो क्लोन से दोनों प्लस और माइनस बिल्कुल भी सही नहीं है यार, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है इनको पकड़ना। नंबर 7 हॉपिप, यार ये जोटो रीजन का एक पोकेमॉन है, और वैसे तो कहा जाता है सबको पता होगा कि एक बुक को कभी उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हॉपिप के केस में ना बिल्कुल यही है भाई, जो तुम देख रहे हो ये बिल्कुल वैसा ही है, तुम्हें इसकी शक्ल से ही दिख रहा होगा कि ये कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन यार ये बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं कर सकता है सीरियसली। मतलब देखो इसका जो फर्स्ट मूव है ना जो कि डैमेज देता है वो तक 8 लेवल पे जाके आता है, भाई ये इतना ज्यादा यूजलेस है, मतलब 8 लेवल से पहले तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते इससे, 8 लेवल पे जाके थोड़ा डैमेज देता है, उसके बाद जाके भाई ये आगे इवॉल्व होता है जैसे जैसे स्किप लूम और फिर जंप लफ, ये एवोल्यूशन भी कुछ काम के नहीं है, ये भी यार बस कूद फान सकते हैं यहाँ से वो बस उड़ सकते हैं हवा में, बाकी अटैक के नाम पे कुछ खास नहीं है किसी के पास भी, डैमेज किसी के पास कुछ खास नहीं है। तो हाँ बैटल्स में ये पूरी एवोल्यूशन लाइन बिल्कुल ही बेकार है, कुछ खास वर्थ इट नहीं है। एक तरफ मैजिक कार्प है जैसे अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज में तो भाई बेकार बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट इवॉल्व तो ढंग का होता है, इस केस में तो यार इवॉल्व भी अपने सेम जैसे ही पोकेमॉन जैसा फर्स्ट स्टेज है वैसा ही आगे के सारे स्टेज रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नंबर 6 लव डिस्क, ये होएन रीजन से एक पोकेमॉन है और इसका डिजाइन भी तुम देख सकते हो बहुत ही बेकार सही है, मतलब सीरियसली ऐसा डिजाइन लगता है कि पोकेमॉन वाले बनाना चाह रहे थे कुछ लेकिन भाई स्टार्ट करके खत्म ही नहीं किया, बस थोड़ा सा यार एक हार्ट बना दिया उसी को पोकेमॉन बना डाला है भाई कुछ भी। और जैसे हम भाई गैराडोस के केस में मैंने बताया भाई एटलीस्ट इवॉल्व तो खतरनाक होता है मैजिक कार्ड, वैसे ही अगर इसको एक एवोल्यूशन दे रहे थे तो सीरियसली ये इस लिस्ट में कभी नहीं आता, ये एक बहुत ढंग का पोकेमॉन बन जाता, लेकिन नहीं ये बस लव डिस्क है, इसका एवोल्यूशन भी नहीं है, ये किसी काम का नहीं है भाई, कुछ भी नहीं कर सकता, स्टैट्स वगैरह कुछ नहीं है इसके पास ढंग के, डेफिनेटली यार ये पोकेमॉन बिल्कुल यूजलेस है और तुम्हें कभी भी इसको कैच नहीं करना चाहिए।
नंबर 5 पे आता है अननोन। अननोन एक साइकिक टाइप पोकीमोन है और ये बहुत ज्यादा रेयर पोकीमोन है। इसी के साथ तुम्हें नहीं पता है तो अननोन खुद के एक अलग ही डायमेंशन में रहता है। और पोकीमोन एनिमे में हमने बहुत टाइप के अननोन्स देखे हैं और जितने भी अननोन्स के अल्फाबेट है वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये काफी अननोन पोकीमोन है। और इसी के साथ ये थोड़ा वीक पोकीमोन भी है, जैसे कि हमने मूवी में देखा है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है बट ये काफी मिस्टीरियस है, तो इसकी पावर हमें अच्छे से बताई नहीं गई। और रही बात गेम साइड की तो ये वेस्ट पोकीमोन है। नंबर 4 पे आता है जिंक्स। इस पोकीमोन पे काफी डिबेट हो रखी है और साथ ही में इसे बैन भी किया गया था, पता नहीं इसे बैन क्यों हटाया। जोक्स अपार्ट, और तुम सभी को पता होगा कि जिंक्स को क्यों बैन किया गया था। इसके डिजाइन को लेकर इस पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे, इसीलिए इस कैरेक्टर को बैन कर दिया गया था। और जिंक्स एक साइकिक और आइस टाइप पोकीमोन है और जिंक्स की वीकनेस तो क्या ही बताऊं, डार्क बग फायर स्टील, मतलब बहुत सारी वीकनेस है और इसे पकड़ना एक तरह से टाइम वेस्ट है। ना ही जिंक्स एनिमे में अच्छा था ना ही गेम्स में, तो तुम समझ सकते हो। अगला पोकीमोन आता है स्टनफिक्स। जैसी इसकी शक्ल है वैसा ये पोकीमोन है, मतलब वेस्ट है। रही बस स्टनफिक्स की टाइपिंग की तो वो बहुत जॉड़ है। इसकी टाइपिंग है इलेक्ट्रिक और ग्राउंड टाइपिंग, जो कि काफी अच्छी टाइपिंग है और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। के बावजूद भी स्टनफिक्स एक वेस्ट पोकीमोन है क्योंकि ये 45 लेवल पे इलेक्ट्रिक अटैक सीखता है, जो कि ये थंडरबोल्ट, मतलब तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उससे पहले तुम स्टनफिक्स को इतने लेवल तक लेके जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो एक ट्रेनर के हिसाब से ये बहुत मुश्किल होगा और ये काफी वीक पोकीमोन है, मतलब स्टार्टिंग की बैटल्स में तुम हार जाओगे। और इसके अलावा भी तुम्हें बहुत अच्छे पोकीमोन्स मिल जाएंगे, तो ऐसे पोकीमोन को तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 पे आता है ट्रबिश पोकीमोन। जैसा इसका नाम है वैसा ये पोकीमोन है, गार्बेज पोकीमोन। और पोकीमोन कंपनी ने इसका नाम क्या सोच के रखा है पता नहीं। और इसका इवोल्यूशन भी एक गार्बेज पोकीमोन है और ट्रबिश एक पॉइजन टाइप पोकीमोन है। ये तो कुछ नहीं, अगर तुम इसे गेम्स में खेलते हो तो ये इवॉल्व होगा 36 लेवल पे और होने के बाद भी तुम्हें एक बड़ा गार्बेज पोकीमोन मिलेगा। भाई इससे अच्छा तो मैं मैजिकार्प पकड़ लूं, जोक सपाट। और इन द केस अगर तुम इसे पकड़ भी लेते हो तो तुम्हारी जर्नी में तुम्हें बहुत दिक्कत देगा ये पोकीमोन। इसको इवॉल्व करना भी बहुत मुश्किल होगा, संभालना मुश्किल होगा और लेवल अप के तो मैं क्या ही बात करूं। पोकीमोन वर्ल्ड में इतने अच्छे पोकीमोन है तो तुम ऐसे पोकीमोन को क्यों ही पकड़ोगे जिसका नाम ही गार्बेज से स्टार्ट होता है। एनीवेज बढ़ते हैं अगले पोकीमोन की तरफ। नंबर 1 पे आता है द लॉर्ड बीडू। वैसे तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता पर यार बोलना तो पड़ेगा। और बीडू पे एक नॉर्मल टाइप का पोकीमोन है और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, मतलब सीनो रीजन में तुम्हें हर जगह जाओगे ना गेम्स में तुम्हें बीडू मिल जाएगा। अगर तुम 2 कदम आगे जाते हो तुम्हें बीडू मिल जाएगा। ऐसे पोकीमोन को कौन ही पकड़ना चाहेगा जो कि तुम्हें हर 2 सेकंड में मिलता रहेगा। और बीडू की पावर लेवल के बारे में तो तुम्हें काफी अच्छे से पता होगा, हालांकि ये बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाता है पर तुम इसे बाद में भी पकड़ सकते हो क्योंकि बिडुप की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो तुम इजी से इसे पकड़ सकते हो। तो शुरुआत के लिए इसे पकड़ना आई गेस बहुत बेकार डिसीजन होगा। और सीनो रीजन में तुम्हें बहुत सारे फैन फेवरेट पोकीमोन मिल जाएंगे, लुकारियो, गार्चोम्प, इन्फरनेप और बहुत सारे। अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि बिडुप कितना वेस्ट पोकीमोन है और ऐसे पोकीमोन को नहीं पकड़ना चाहिए।